क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, दिखाइए कि 0.3333 और ये आगे बराबर 0.3 के ऊपर बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखो तीसरा अंक मतलब ये तीन 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 दशमलव के बाद तीन 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 रिपीट हो रहा था, तो अपन ने इसको क्या लिखा 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, इस पूरे को अपन x के बराबर मान ले तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.3333 और क्या आगे ऐसा आगे चलता ही रहेगा ये तो दशमलव के बाद तक। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष है इसमें और इसमें 10 का गुणा कर देंगे। देखो दशमलव के बाद जितने भी अंक रिपीट हो, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, एक अंक, अगर एक अंक रिपीट होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, दो अंक रिपीट होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे, तो इसमें देखें तो दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करता है तो दोनों तरफ अपन 10 से गुणा कर देंगे। इसको एक मान ले समीकरण, इसको एक मान है ना, तो एक में 10 का गुणा, इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो अपने को पता है एक दशमलव इधर खिसकेगा तो ये 3.3333 और इस पे तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं क्योंकि 3 बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 माइनस 1 तो देखना क्या होगा, 2 माइनस 1 करा, 2 मतलब कौन 10x, माइनस 1 मतलब माइनस का x, इसी प्रकार इधर करेंगे 2 तो ये रहा 3.3333 और आगे ये ऐसा चलता रहेगा, मेरे से अपन माइनस करेंगे किसको, ये माइनस करेंगे किसको, इसको 0.3333 और ये आगे चलता रहेगा, तो ये तो 9x हो जाएगा, ये तो गया 9x बराबर। देखना ये लिखा मैंने 3.3333 और आगे ये चलता रहा, ये लिखा मैंने इसमें से माइनस करना कितना 0.3333 और ये अभी आगे चलता रहेगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी जीरो बन जाएगा, आगे भी पूरा जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो और ये कितना होगा 3, मतलब इधर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, एक्स को यही रहने दे, 9 को उधर पक्षांतर कर दे तो कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, काट दें इसको तो कितना जाएगा x बराबर 1/3, बस p बटे q के रूप में लिख दिया। x अपन ने किसको माना था, x माना था इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x अपन ने माना था किसको, इस वाले समय इसको अपन ने x माना था, मतलब किसको 0.3333 को x माना था, वो बराबर किसके था 0.3 के ऊपर वार, तो अपना आंसर कितना है 1/3। बस अपन ने इसको p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था अपना 35। ठीक, लिख लो, मिटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ेंगे। तो 36 लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 36, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या संख्या, 3 और 4 के बीच अपने को ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या।
तो अपने को जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें उससे एक ज्यादा, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को कितनी ज्ञात करना है, 6, उससे एक ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी, 7, मतलब अंश और हर में 7 का गुणा कर दो दोनों संख्याओं में। तो इसको 3 को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/1। अब मैंने क्या बोला, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा, 6 ज्ञात करनी है तो ऊपर और नीचे कितने का गुणा कर दो, 7 का गुणा कर दो। तो ये तो कितना हो जाएगा, 7/21/7, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अपने को 4 तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 अंश बटे हर के रूप में लिख दिया अपन ने। अब देखो 4 × 7/1 × 7 कितना हो गया, 28/7 हो गया। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 6, तो 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। 21 से एक बड़ी संख्या कौन सी, 22/7 हो जाएगी एक, फिर 23/7 हो जाएगी, फिर 24/7 हो जाएगी, फिर 25/7, 26/7 और 27/7 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, 6 परिमेय संख्या। 6 ही परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 37, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 3। क्वेश्चन नंबर 37, 3/5 और 4/5 के बीच कितने, 3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या हो, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 करना है, तो अंश और हर में उससे एक बड़ी संख्या मतलब 4 का गुणा कर दो। तो 3/5 = 3/5 गुणा कितना करेंगे, अंश में भी अपन कितने का गुणा करेंगे, 4 का, और हर में भी कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 12/20। नीचे जाओ, 4/5 लिखूं, ये लिखा 4/5, इसमें भी 4/5, यहां पे भी 4 का, यहां पे भी 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, 16/20। मतलब अब अपने को 12/20 और 16/20 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो 12/20 के बाद कितनी हो जाएगी, 13/20, अगली 14/20, अगली 15/20, ये हो गई 3 परिमेय संख्या। बस हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनावृत्ति का मतलब अशांत, मतलब आगे तक चलते जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में अपने को 3 लिखना है, लिख देते हैं। जैसे पहली में लिख दूं 1.1
2 3 2 double 3 2 triple 3 2, और ये ठीक, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। देखो कोई सा अंक भी रिपीट ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, ये 1 1.2 दिखाओ है ना। देखो 2 3 आया, फिर 2 double 3 आ गया, फिर 2 4 3 आ गया, मतलब कोई सा भी अंक ऐसा रिपीट हो ही नहीं रहा है, मतलब ये भी एक अनबसानी अनावृत्ति हुआ। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लिख दो 4.6 3 6 double 3 6, ये हो गई। अगला अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लो, 5.4 3 4 double 3 4 triple 3 4, चार बार बस, वही सब इतनी मर्जी से एग्जांपल ले सकते हो जो रिपीट ना हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन 40 39। आपको पीडीएफ में इसका सलूशन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ दी है, उसमें आपको इसका सलूशन मिल जाएगा 39 का। बंद करते हैं 40। में लिखता हूं इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 40 में जोड़ना है, ऐड करना है, तो जोड़ते हैं 2 root 2 plus 5 root 3, बीच में साइन प्लस करा भी जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा root 2 minus 3 root 3। देखो ये root वाली संख्याओं को अपन पहले एक साथ कर लेते हैं और ये root 3 वाली संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 plus root 2, फिर ये प्लस का 5 root 3 minus 3 root 3, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब कितना हो 1 होगा इसके आगे, ये यही तो लिखा है 1 root 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 root 2, ये माइनस का साइन लगा तो ये मतलब बिना करने वाली संख्या आपस में घट जाएंगी, और पढ़ने एक बार लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस में 2 root 3, ये इसका आंसर आ गया 3 root 2 plus 2 root 3। लिख लो फिर अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 41। क्वेश्चन नंबर 41 6 root 5 2 root 5 से गुणा करना है, 2 root 5 से गुणा कीजिए, तो देखो 6 root 5 into 2 root 5 हो गया, इन दोनों का गुणा तो 12 हो जाएगा, 6 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुणा करनी 5 का गुणा करनी 5 से होगा तो कितना होगा 5, क्योंकि अपने को पता है क्या √a into √a = क्या होता है a होता है, ये बात अपने को पता है, तो 12 पंजी कितना हो जाएगा 60 हो गया। root 15 से भाग 2 root 3 से एट रूट 15 से भाग देना है 2 root 3 को, मतलब ऐसा 8
रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। क्या करेंगे देखते हैं, 8। इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। देखो 5 गुणा 3 15 ही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं 8, इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये रूट 3 को अपन ने अलग कर लिया, इंटू रूट 5 को अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 पे अंतर तो पड़ा नहीं क्योंकि इनको रूट से बाहर निकाला है, गुणा करेंगे तो रूट 15 ही आना ये। आगे चलते हैं, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचेगा क्या, 8 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगे देखें तो ये 2 से 8 कट भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 रूट, इस 2 को काट दिया 8, 2 एकम तो 2 चुकू 8, तो ये 4 रूट 5 इसका आंसर आ गया, 4 रूट 5। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 का परिमेयकरण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। मैं पे बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है, 1 का परिमेयकरण कीजिए, तो संख्या 1 का परिमेयकरण क्या होगा, 1 ही आना है तो इसका आंसर कितना जाएगा, 43 का 1। अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, सरल कीजिए 22/3 और बीच में इनटू 21/5। 22/3 गुणा 21/5, ठीक ये है 22/3 इनटू 21/5। तो देखो क्या होगा, बीच में साइन गुणा का है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 22/3 गुणा 21/5, 3 से 21 कट जाएगा कितने बार, 7 बार, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 22 गुणा में 7 और नीचे कितना 5, गुणा कर दो 7 × 14 = 15, 154 डिवाइडेड बाय 5, ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 44। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 का, कि 11/11^2 और नीचे 11^1/4, ये पहला वाला, इसका हल कर लेते हैं, कौन सा 45। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 11^1/2 और लिखा हुआ है नीचे 11^1/4। अगर देखें तो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 11, मतलब इनके आधार जो है वो समान है, केवल घाते अलग अलग है। तो अपन घातांकी के नियम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, कि अगर a की पावर m हो और अगर नीचे भी a हो और उसकी पावर अलग हो, मतलब ये दोनों तो सेम हो लेकिन घाते दोनों के अलग अलग, इसके घाते 1/2, इसके घाते 1/4 अलग अलग, तो बराबर होता है ये आधार जो है वो एक बार लिखा जाता है, मतलब अंश और हर अगर सेम है तो ये एक बार लिखा जाएगा और m माइनस n हो जाता है, m माइनस कितना n हो जाता है, किससे, घातांकी के नियम से अपन पढ़ के आए हैं। तो आगे चलते हैं, तो 11 तो अपन एक बार लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 1/2 ऋण 1/4। आगे चलते हैं, तो 11 तो एक बार लिखा है, एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, इसके पास 2 है, इसको 4 बनाना है तो किसका गुणा होगा, 2 का, अगर 2 का नीचे गुणा होगा तो 2 का ऊपर भी गुणा होना, मतलब ऊपर कितना आ जाना है 2, ये माइनस का साइन लगाएंगे, 4 का इसमें भाग देंगे, मतलब 4 तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 11/1/4, मतलब 11^1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 मतलब 45वें का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 1/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1/3 × 5 और पूरे के ऊपर कितने की घात, 4 की घात, ठीक, पूरे के ऊपर 4 की घात, ठीक है। तो ये क्या हुआ देखना, इसका मतलब क्या है कि 1 के ऊपर भी 4 की घात है और 3/5 के ऊपर भी कितने की घात है, 4 की घात है। तो 1/4 के, मतलब 1 का अगर तुम 4 बार गुणा करोगे तो कितना आना है, 1 ही आना है, तो ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं, नीचे देखो
इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है घातांकी के नियम से। लिख देता हूँ वो नियम कि अगर a की पावर m है और पूरे की पावर n है तब a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तीन और m और n दोनों का गुणा हो जाएगा तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी, पांच गुणा चार। आगे चले तो एक बटे तीन की पावर कितनी, बीस। ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख लो 45वां क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है, इसका पहला वाला लिखा हुआ है कि एक बटे तीन के ऊपर तीन की घात और पूरे के ऊपर सात की घात, और इसका क्वेश्चन नंबर दो है सात के ऊपर एक बटे पांच की घात और सात के ऊपर एक बटे तीन की घात। कभी जैसे कर रहे हैं वैसे जैसे सेम क्वेश्चन है वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। तो पहला वाला इसका पार्ट हल करेंगे, फर्स्ट वाला। तो क्या है, एक बटे तीन के ऊपर तीन की घात और पूरे के ऊपर सात की घात। इसका मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर भी सात की घात है और तीन बटे तीन, तीन के ऊपर तीन की घात और पूरे के ऊपर भी सात की घात है। वही घातांकी के अपना नियम लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ए की पावर एम और पूरे की पावर अगर एन है तो वो हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन। ठीक, आगे चलो, आगे चलो। तो एक की पावर सात का मतलब क्या होता है, एक, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तीन की पावर इक्कीस। इसका आंसर हो जाएगा एक बटे तीन की पावर इक्कीस। इसका पार्ट टू देख लेते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो देखो एक बार सिंपल इसको लिख लेते हैं, सात के ऊपर एक बटे पांच की घात और सात के ऊपर एक बटे तीन की घात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेम है, केवल क्या है घाते अलग अलग है। तो क्या होगा कि अपने को पता है घातांकी के नियम से, अगर a के ऊपर m की घात हो, नीचे a के ऊपर n की घात हो, तब होता है a के ऊपर m माइनस n की घात। तो चलो वही रूल लगा दो यहाँ पे, तो सात तो एक बार लिखा जाएगा और घात कितनी हो जाएगी, एक बटे पांच ऋण एक बटे तीन। दिक्कत नहीं, आगे चलो। तो ये सात तो वैसे ही रहेगा, एलसीएम कितना आएगा, पंद्रह। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम पंद्रह ही आना है। पांच का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तीन बार, तो ऊपर कितना लिख दो, तीन। तीन का इस पंद्रह में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, पांच बार, तो पांच का ऊपर गुणा कर दो। आगे चलो, तो ये सात के ऊपर कितनी, माइनस के दो बटे पंद्रह की। या तो अपन इसको ऐसा लिख लें, ठीक, दो बटे माइनस, या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक बटे सात के ऊपर दो बटे पंद्रह की, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसका ये वाला आंसर भी यहां तक भी सही है और ये वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, एक बटे करने सात ऋण एक्स, ऋण एक्स के हर का परिमेयकरण कीजिए, के हर का परिमेयकरण। करते हैं तो एक बटे करने सात ऋण एक्स, एक बटे करने सात ऋण एक्स। परिमेयकरण करना क्या होता है, हर का ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है, केवल बीच वाला साइन बदल जाता है। तो ये करने सात धन एक्स हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, करने
सात धन कितना एक्स हो जाएगा, एक का गुणा करने सात धन एक्स से होगा तो कितना होगा करने सात धन एक्स। नीचे देखेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली सर्वसमिका लग जाएगी, मैं लिख देता हूँ मैं सर्वसमिका कौन सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ठीक, ए माइनस बी मतलब करनी सात ऋण एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब करनी सात धन एक्स, करनी सात धन एक्स तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए कौन है करनी सात, तो करनी सात का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग। आगे चले तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो कुछ होना नहीं, करनी सात धन एक्स बटे करनी सात का वर्ग सात और माइनस एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा करनी सात धन एक्स बटे सात ऋण एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 48 दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर जो किया था पहला वाला, पहला और दूसरा जिसमें अपन ने पहले में लिखा था परिमेय संख्या की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा था अपरिमेय संख्या की परिभाषा, तो वो दोनों अपने को लिखना है, उनके आंसर अपने को लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये वाला आप लोग कर लेना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में दो पार्ट है ए वाले में लिखा हुआ है दो की घात एक बटे पांच, ठीक, और बी पार्ट लिखा हुआ है इसका सात की घात एक बटे दो गुणा आठ की घात एक बटे, तो ए वाला पार्ट पहले हल कर लेते हैं। तो ए वाला पार्ट लिखा हुआ है क्या, दो की घात दो बटे तीन गुणा दो की घात एक बटे पांच, ये लिखा हुआ है, इसको हल करते हैं। तो दो की घात दो बटे तीन इंटू दो की घात एक बटे पांच। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोनों के आधार से हमें दो दो है, केवल घातें डिफरेंट है। तो अपने को पता है क्या कि अगर ए की घात एम हो इंटू ए की घात एन हो, मतलब दोनों के आधार समान, दोनों के आधार समान, दोनों की घातें अलग अलग, दोनों की घातें अलग अलग, तब क्या होता है घातांक के नियम से कि जो आधार है वो तो एक बार लिखा जाता है और घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आधार तो एक बार लिखा जाएगा और घातें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब घातें दो बटे तीन प्लस एक बटे पांच हो जाएगी। आगे चले तो दो बटे तीन, इन दोनों का एलसीएम होगा तो एलसीएम नीचे तो 15 आना है, इस तीन से इस 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पांच बार जाएगा, पांच का गुणनफल दो में करेंगे कितना हो जाएगा 10, बीच में साइन प्लस का प्लस, इस पांच का भाग अपन 15 में देंगे कितनी बार जाएगा तीन बार जाएगा, उस तीन का गुणनफल ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो ये दो की घात कितनी 13 बटे, मतलब दो की घात 13 बटे 15 इसका आंसर आ जाएगा। दो की घात कितनी 10 और 3 13 और ये बटे में 15। अब इसके बी वाले पार्ट को हल कर लेते हैं, यहां पे बता देता हूं बी वाला पार्ट। ये वाला बी वाला पार्ट यहां पे बता देता हूं, लिखा हुआ है सात के ऊपर एक बटे दो की घात इंटू आठ के ऊपर एक बटे दो की घात। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में इसमें आधार सेम थे, इसमें घाते सेम है, आधार अलग अलग है, तो घातांकी का अपन फिर से नियम लगाएं कि अगर ए की पावर एम हो इंटू बी की पावर भी एम हो तब क्या होता है, आधार का तो आपस में गुणा हो जाता है और घात जो होती है वो एक बार लिखा जाती है, सिंपल। तो चले सात और आठ का गुणा हो जाएगा, सात गुणा आठ हो जाएगा, और जो क्या बोलते हैं इसको घात है वो एक बार लिखा जाएगी। ठीक, ये तो सात और आठ का गुणा कितना हो जाएगा 56 और 56 के ऊपर एक बटे दो की घात, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ओपन करेंगे 50।
क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, सरल करना है किसको, 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7। सिंपल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन निकल लिए हैं, कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7 की घात, इसका मतलब क्या होता है कि 1 के ऊपर भी 7 की घात है और 3/3 के पूरे के ऊपर भी 7 की घात है। यहाँ दोनों में घातांकी का नियम लग जाएगा, कौन सा वाला, कि अगर a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो तो अपन उसको लिख सकते हैं m इंटू n, ये घातांकी के नियम से होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 की घात 7 मतलब 1, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, मतलब 1/3 के ऊपर 21 की घात, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला वाला जो है वो लिखा हुआ है 3+√3 और 3-√3। पहला वाला पॉइंट हल कर रहे हैं, लिखता हूं इसको मैं एक बार और, 3+√3 और 3-√3। तो देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे रूट थ्री, यहाँ पे भी रूट थ्री, केवल बीच में से यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। सर्वसमिक अपने को पता है कौन सी, a+b और a-b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का। देखो यहाँ पे a का, a प्लस बी मतलब 3+√3, a माइनस बी मतलब 3-√3, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3 और b का काम कौन कर रहा है रूट थ्री। तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, b का वर्ग मतलब रूट थ्री का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, 3 का वर्ग कितना 9, रूट 3 का वर्ग कितना 3, घटा तो कितना आंसर आएगा 6। ये पहले भी अपन कर चुके हैं ये सेम क्वेश्चन। अगला इसी क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड वाला पार्ट है, लिखा हुआ है √5+√2 का होल स्क्वायर। एक बार और लिख लेते हैं इसको, √5+√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन अपनी सर्वसमिका लगा देते हैं, अपने को पता है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a का वर्ग प्लस 2ab+b का वर्ग, लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है √5 और b का काम कौन कर रहा है √2, ठीक। तो a का वर्ग मतलब √5 का वर्ग प्लस 2, a का मान कितना √5, b का मान कितना √2 प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √10 हो जाएगा, 5 इंटू 10 √10 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 है, √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 7+2√10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा कर लिया अपन ने, 51 कर लिया, ठीक है। अब अपन करेंगे 52। 52 को अगर अपन देखें तो 52 क्वेश्चन नंबर 52 का पहला वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है √5+√2 और √5+7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का इंटू हुआ तो पहले एक बार लिख लेते हैं। वैसे वैसे √5+√2 और √5+√7, ठीक है। चलो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा पूरे ब्रैकेट्स होगा, मतलब
रूट फाइव का गुणा किससे होगा, रूट फाइव प्लस रूट सेवन। अब बीच में साइन प्लस का, ये साइन प्लस का लगा है, रूट टू का इंटू हो किससे, रूट फाइव प्लस रूट सेवन। ठीक है आगे चलो, रूट फाइव का गुणा रूट फाइव से फाइव प्लस रूट फाइव का इंटू रूट सेवन से रूट थर्टी फाइव प्लस इन दोनों का इंटू हुआ तो रूट टेन हो जाएगा प्लस रूट फोर्टीन हो जाएगा। हो गया बस, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसका ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फाइव प्लस रूट थर्टी फाइव प्लस रूट टेन प्लस रूट फोर्टीन इसका आंसर हो गया। सेकेंड वाला पार्ट लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर देता हूँ, रूट थ्री प्लस रूट सेवन, रूट थ्री प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो अपन सर्वसमिका लगा दें ए प्लस बी का होल वर्ग वाली, तो रूट थ्री प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर सर्वसमिका लगाते कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें तो ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है रूट थ्री, ये रूट थ्री, बी का काम कौन कर रहा है रूट सेवन, ये लिखा रूट सेवन लिखा दो, ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर, टू ए का मान रूट थ्री, बी का मान रूट सेवन प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट सेवन का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री प्लस इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो टू इंटू ये हो जाएगा इक्कीस प्लस सात, आगे चलें तो ये हो जाएगा दस प्लस टू रूट ट्वेंटी वन। या तो इसका आंसर ये वाला भी सही है या फिर अपन कॉमन लेना चाहे तो दो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो इधर बजेगा फाइव प्लस रूट के अंदर ट्वेंटी टू है, ये भी इसका आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, 53 वाला क्वेश्चन कि अगर अपन बात करें तो 53 वाला क्वेश्चन अपन ने पहले ही कर चुके हैं, देख लेना 0.333 बराबर 0.3 के ऊपर वार, उसको पीवटे क्यू के रूप में व्यक्त करना था, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अपन 54 की बात कर लेते हैं। ठीक, देखो दशमलव के कितने अंक के बाद संख्या रिपीट हो रही है, एक और एक दूसरे अंक वाली संख्या से रिपीट होना चालू हुआ, 3535 3535 3535 रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसको x के बराबर मान लें तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.235 3535 और आगे ऐसे चलता रहेगा, दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 100x, इसको एक मान लें, इसको एक मान लें तो 100x बराबर इसका गुणा होगा तो यहाँ पे 23 इधर जाएगा और आगे क्या बचेगा 53 53 53 और ये आगे सब बचता रहेगा, इसको समीकरण नंबर दो। क्या कर सकते हैं हटा काट दे मतलब समीकरण एक माइनस दो कर दे तो वन माइनस टू करेंगे तो कितना होगा ये 100x माइनस 1 करेंगे तो 100x माइनस x हो जाएगा और इधर कितना होगा 23 माइनस 53 53 53 और ये आगे ऐसे चलता रहेगा। में से घटाना है कितना, में से माइनस करना है कितना, ये माइनस करना है कितना 0.235 3535 ये वाला माइनस। ठीक है तो ये तो 99x हो जाएगा। आगे चलें तो देखो ये 23 और ये 53 53 53 आगे चलता रहेगा, उसमें से घटाना है कितना 0.235 2353 फिर आगे यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 3 और आगे आगे तो देखना ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना 23.3 तो यहाँ लिख दो 23.3 तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 223.3 डिवाइडेड बाय कितना 99 तो x बराबर कितना जाएगा 233/990 ये इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 आप अपने मन से कर लेना, सेम टू सेम बेसिक ऑफ बेसिक क्वेश्चन है जिसे अपन ने किया था।
27, 56 भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग कर लेना। 55 और 56 ये आपको पीडीएफ में इनके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस कारण अपन नहीं कर रहे। 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक के क्वेश्चन आपको पीडीएफ जो फाइल है उसमें मिल जाएंगे। कौन कहां से कहां तक, 55 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ फाइल आपको नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप इसके आंसर मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इस कारण मैं नहीं कर पा रहा। अब अपन करते हैं कौन से 61 नंबर के क्वेश्चन। किससे काटे, दो से काटे कितनी बार जाएगा, 32 बार। फिर दो से काटे कितना, 16। फिर दो से काटे कितना, 8। फिर दो से काटे कितना, 4। फिर दो से काटे कितना, 2। फिर दो से काटे कितना, 1। एक आ गया था रूल जाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 6 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये पूरे के ऊपर 1/2 की घात। देखो 2, 4 और 2, 6, तो ये 6 बार आया 2, तो 2 के ऊपर कितने की घात लग जाएगी, 6 की घात, और पूरे के ऊपर कितने की घात लग जाएगी, 1/2 की घात। अब अपने को पता है घातांकी के नियम से, अगर a की घात m है और पूरे की घात n है, तब होता है a की घात m into। आगे चलो, तो 2 की घात 6 × 1/2, तो ये 2 की घात ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8। सिंपल। या फिर इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका यह है कि अगर अपने को पता है गुणनखंड 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 और पूरे के ऊपर 1/2 की घात। आगे चलो, तो 8 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि 8 कितनी बार आया है, 2 बार, और पूरे के ऊपर 1/2 की घात, वही घातांकी का नियम लग जाएगा, तो 8 के ऊपर 2 × 1/2 की घात, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, और 8 के ऊपर 1 की घात का मान कितना होता है, 8। दोनों से सेम आंसर आया है, जो तरीका करना हो वो वाला तरीका कर लेना। ये इसका पहले, ये 61 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 61 का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 32 के ऊपर 1/5 की घात। 32 के ऊपर मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, 32 के ऊपर 1/5 की घात, ये इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। वही ऐसे गुणनखंड करेंगे अपन, 32 के यहाँ से मिटा दो, 32 के गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 1/2 मतलब 2 के ऊपर 5 की घात। 32 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और पूरे के ऊपर 1/5 की घात, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात और पूरे के ऊपर 1/5 की घात। क्यों लिख लिया, क्योंकि 2 कितने बार आया, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के ऊपर 5 की घात, पूरे के ऊपर 1/5 की घात। घातांकी का ये नियम लगा दिया, तो 2 के ऊपर 5 की घात गुणा 1/5 की घात, ये 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 के ऊपर 1 की घात, और 2 के ऊपर 1 की घात का मान कितना होता है, 2। सिंपल। इसका थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला 125 के ऊपर 1/3 की घात, 125 के ऊपर 1/3 की घात, 125 के भी इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, तो देखो करके देख सकते हैं कितने आता है, 125 5 से भाग दें कितनी बार, 25 बार, 5 से भाग दें कितनी बार, 5 बार, 5 से भाग दें कितनी बार, 1 बार, जो 1 आया था रुक जाना है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख लो, 5 × 5 × 5 और पूरे के ऊपर 1/3 की घात, 5 कितने बार आया, 3 बार, तो 5 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर कितने की घात, 1/3 की घात। घातांकी का कौन सा नियम लग जाएगा, a की घात m और पूरे की घात n है, तो अपन उसको लिख सकते हैं m × n, a की घात m × n, तो लिख दो 5 के ऊपर 3 × 1/3 की घात, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, 5 के ऊपर 1 की घात, 5 के ऊपर 1 की घात का मान कितना होता है, 5। सिंपल। आगे चलते हैं,
तीसरा चौथा नंबर का इसका क्वेश्चन। सोलह के ऊपर तीन बटे चार की घात, सोलह के ऊपर तीन बटे चार की घात पूर्णखंड कर ले, कर लो। सोलह के दो से भाग देंगे कितनी बार, आठ बार, फिर दो से भाग देंगे कितनी बार, चार बार, फिर दो से भाग देंगे कितनी बार, दो बार, फिर दो से भाग देंगे कितनी बार, एक बार। मतलब इस सोलह को क्या लिख सकते हैं, एक दो तीन चार, कर लो। दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, ये तो सोलह हो गया के ऊपर तीन बटे चार की घात। दो कितनी बार आया, चार बार, मतलब दो के ऊपर चार की घात, पूरे के ऊपर कितने की घात, तीन बटे चार की घात। और अपने को घातांकी के नियम से बताया कि ए के ऊपर एम की घात पूरे के ऊपर एम की घात बराबर होती है ए के ऊपर एम इंटू एन की घात। आगे चलेंगे तो क्या होगा, दो के ऊपर चार गुणा तीन बटे चार की घात, जो चार से जाकर कैंसिल हो जाएगा, तो दो के ऊपर तीन की घात, दो के ऊपर तीन की घात का मान कितना होता है, आठ। सिंपल। तो यहाँ अपना प्रश्न बैंक का अध्याय एक कंप्लीट हुआ। अब अपन अगली जो वीडियो आएगी उसमें अध्याय दो की, दो के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें अध्याय दो को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इसके पहले वाले पार्ट एक और दो नहीं देखा हो तो पहले उसको जरूर देख लेना।